तो अंबानी सीधा खड़े होना सामने विशाल सोलो सोलो अरे एक मिनट सबका हो गया है रन ना उधर साइड में कोई है ये बीच में है क्या बात है मैडम जी यहाँ देखिए रुकिए रुकिए सर सेंटर विनोद सर क्या क्या होना इसका हाथ लगा मेरे को पीला पीला हो रहा है ना फोटो नीचे सर वन मोर आइए तुम्हारा प्लानिंग कर रहा हूँ तो कैमरा आ रहा है भाई कास्ट कास्ट ओनली कास्ट
डन वन सेकंड अंशुमन अंशुमन सी मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है पीछे खड़ा है उनके बगैर नहीं बन सकती तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने और इस फिल्म में यही खासियत है इस करके इतने लोगों को हमारे देश में देश के बाहर चाइना में फिजी में हर जगह लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर सी माय फिल्म इट्स रियली ऑल ऑफ अस टुगेदर हु हैज डन इट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्शनल अबाउट दिस फिल्म देखिए मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज अब फिल्में करती नहीं क्योंकि फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कभी कभी वो करती थोड़ा कम है ये तो सब आपको मालूम है पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया 2000 करोड़ हो गया भगवान करे खुश रहें वो लोग लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं इसका मतलब है कि जो लोग जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मच मोर देन एनीथिंग एल्स सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑल ऑफ यू हु हैव सीन दिस फिल्म एंड टॉक्ड अबाउट इट थैंक यू अरे मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला यार तुम मुझे तो पूछते ही नहीं बेस्ट फिल्म भी मिला ऐसा कहता यार मेरे को तो तुम पूछा ही नहीं हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है बेस्ट डायरेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं और मुझे भी अवार्ड मिला है बेस्ट एडिटिंग को भी मिला है सर सर को 4 अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एडिटर तो आई थिंक ये अनप्रीसीडेंटेड है कि कोई एक इंसान को एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर के एडिशन में या किसी भी अवार्ड एडिशन में 4 अवार्ड्स मिले हैं तो ये सवाल एक्चुअली आपको सर से पूछना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं नहीं नहीं मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म फेयर आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला नहीं है आई एम सो थैंकफुल इट वॉज सच ए प्लेजेंट सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच आई मीन रियली आई एम वेरी वेरी मूव्ड थैंक यू फिल्म फेयर सी फॉर मी the journey people have changed our way of looking at cinema has changed but what is very very important is that you should not change I have tried not to change I'm still here celebrating 100 days with my crew it's very important that we don't change because the tragedy is that when we change then everything changes so that's what I believe मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म का हिस्सा बनी मैं उसी में इतनी खुश थी ये जो सक्सेस मिला ये तो बोनस ही है बट बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है विधु सर के साथ काम करके कास्ट के साथ काम करके आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंक यू गाइस आप लोग क्या कहेंगे आप लोगों से सवाल अरे इसका तो वो एक्टर वाला सवाल रह गया नहीं नहीं बेस्ट एक्टर का सवाल पूछो ना आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है सर ने दे दिया है कि इट इज़ आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर और ये एक्चुअली यू नो एंटिसिपेट नहीं किया था पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसिस की तरफ से और फ्रिटर्निटी की तरफ से आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है काम करता है एंड द ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे आपने सवाल पूछा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इन द एज ऑफ 100 क्रोज इन द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेज एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 डेज कर रही है आई थिंक ये अनप्रीसीडेंटेड चीज़ हैं ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है आप दोनों से सवाल रहेगा जिस तरह आप दोनों का किरदार है जिस तरह आपने बैक किया इनको इस तरह का फ्रेंडशिप इस तरह का फ्रेंड लाइफ में होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है आप अगर ये किरदार निभाते हैं आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में
अवेलेबल? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का कि इस भाव को सर के इतने बड़े, ये बड़ा भाव है ना इस 12th फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की और सब ने समझा, उसको सराहा, सफलता मिली, अवार्ड्स मिल रहे, ये अब बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव, मेरे लिए तो ऐसी भाव जगी जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है, भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए, देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं, अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने लिख के आई, दिख के आई, और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले तो उसमें भी एक जीत होती है। किसी एक की जीत है तो हजार भेड़ बकरी की जीत है। सर ऑलमोस्ट हर बार ही, लेकिन अगर हम 12th फेल की ही बात करें तो मेरे लिए एक्चुअली एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था मेरे करियर में, क्योंकि सच अगर कहें तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम मनोज का रोल प्ले करोगे, इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुझे कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते, तू काम कर रहा है इतने सालों से, लेकिन वो सच है, वो भी एक मेरा रीस्टार्ट मोमेंट था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतनी बड़ी कहानी के साथ, जो किताब ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग जिसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको अडेप्ट करके एक फिल्म में बनाना, इतनी कमाल की टीम के साथ काम करना, वो भी मेरे लिए एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था। आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद सर। मैं सर के साथ लगभग 2.5 साल से था उस फिल्म पर, तो रीस्टार्ट मोमेंट हर रोज़ होता है, यू नो, हर अलग सेट पे होता है, यू नो, एवरी डे यू वेक अप इज अ रीस्टार्ट मोमेंट। थैंक यू। नाउ वी विल गेट रियल मनोज। यस कम एक्चुअली विधि विनोद चोपड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ी स्तर पर कहानी ली थी वो सारे देश की कहानी थी, क्योंकि हर एक हारे हुए व्यक्ति की, हर एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति की कहानी थी, और इसीलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने विधु जी को और उनकी टीम को काम करते हुए देखा है, कैसे उन्होंने 4-5 साल लगातार मेहनत की और इसको प्रमाणिक बनाए रखने के लिए, ईमानदार पूर्ण बनाए रखने के लिए मेहनत की। अनुराग जी ने जो उपन्यास लिखा था, अनुराग जी लगातार विधु जी के साथ काम करते रहे, वो विस्मरणीय था, क्योंकि वो एक कहानी ऐसी थी जो हर गली मोहल्ले की थी, लेकिन फिर भी उसको जिस अंदाज में बोला गया उससे सभी लोगों को अच्छा लगा। विकास सर ने लगातार इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि श्रद्धा और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे माध्यम से काफ़ी बड़े देश की कहानी कही गई और लोगों ने सराही, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ की। 100 दिन पूरे हो जाने पर, और वो भी तब जब OTT पे ऑलरेडी आ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इसमें पूरी 12th फेल टीम की बहुत बड़ी मेहनत का कारण है। सबको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह फिल्म के बाद हर एक लड़की का सपना होता है कि अपनी लाइफ में एक श्रद्धा जी जैसी हो जो हमको बैक करे, हमारे सक्सेस से लेके डाउनफॉल से लेके सक्सेस तक बैक करे, आपका जो किरदार है इतने अच्छे से निभाया गया है मैम की तरह, आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्यारी अनुभूति भी है और बहुत अच्छा है। जिस समय जब ये कहानी लिखी गई थी अनुराग जी के द्वारा और जब विधु सर ने इसको अडॉप्ट किया, तब उन्होंने जब शुरुआत ही की तो उन्होंने इसी भाव से ये शुरू किया था कि एक्चुअली श्रद्धा और मनोज ये कोई एक नहीं, वो आपको हर घर में वो कहानी दिखेगी, हर रिश्ते में वो चीज़ें दिखाई देंगी, और इसीलिए सोसाइटी चल रही है। आई थिंक जो 100 डेज ये पूरा कर रही है और जिस तरीके से इसको हर फील्ड से अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका कारण ये है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं। तो जो सामान्य घरों से निकले हुए बच्चे हैं या जिस तरीके के रिश्ते हैं, वो चाहे श्रद्धा मनोज का हो या फिर माँ और मनोज का हो या फिर फादर और मनोज का हो, तो वही सारे रिश्ते हमारे साथ चल रहे हैं और इस कहानी के साथ सब जुड़ गए हैं।
तो विकास सर शुरू से कोचिंग में जहाँ पर हम लोग साथ में सर के साथ में हमने पढ़ाई शुरू की और आज जो जर्नी पूरी की और अब इस मूवी ने जो 100 डेज पूरे किए हैं, आई थिंक विधु सर ने जिस नज़रिए से शुरुआत की थी और जहाँ तक पहुँचाया है तो हम लोग सब बहुत खुश हैं और जिस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और सर ने जो बोला था कि ये जो सिंप्लिसिटी है, ये एक साधारण सी कहानी ही इसको असाधारण बना गई, तो बहुत बहुत खुशी की बात है एंड थैंक यू वेरी मच। ये अनुराग पाठक हैं जी, नहीं ये मुद्दा मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ये था कि क्या आज समाज में ईमानदार चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा, समाज उतना संवेदनशील है और ये हम सबका विश्वास था कि समाज संवेदनशील है और जो अच्छाई है समाज के जो 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 ईमानदारी को लेकर के मापदंड है वो पूरे माने जाएंगे। और मुझे लगता है विक्रांत ने जिस तरह की एक्टिंग की, मैदान ने जिस तरह की एक्टिंग की, वो ऐसा था कि कहीं अंतर नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फिल्म नहीं बना रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि जी रहे हैं, तो उसके सफल होने की बहुत संभावनाएं थी और वो हुई भी। ये अनुराग जी हैं जिन्होंने लिखी किताब, इनसे पूछिए कि क्या भुगता इन्होंने कहानी जब किताब की। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि आपने तो किताब लिखी थी, जैसे जब हम उसको स्क्रीन प्ले कर रहे थे तो आपकी क्या हालत हुई बताइए। 4 साल सर के साथ स्क्रीन प्ले पर हम लोगों ने काम किया, विकास सर भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत मेहनत, एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है वो हमें विधु सर से सीखना चाहिए। कोरोना काल में भी सर ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की और किस तरह से एक किताब को, एक उपन्यास को पर्दे पर कैसे उतारा जा सकता है ये सर ने किया है। और इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची, इतनी संवेदनशील फिल्म इन्होंने बनाई है, हम लोग सब देख ही रहे हैं, 100 दिन हो गए और हर किसी के दिल में उतर रही है क्योंकि दिल से बनाई गई है, ईमानदारी से बनाई गई है। मैं विधु विनोद सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाई और आप सभी को पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में विक्रांत जी से पूछ रहे, विकास दिव्यकृति सर से पूछूंगा कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो जिस वक्त आप ये फिल्म के सीन में वो सीन कर रहे थे पढ़ाने का, उसमें और रियल पढ़ाने में क्या अंतर है विकास? नहीं, मेरा तो पढ़ाने का वैसे स्टाइल है, डायलॉग्स भी सर ने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं खुद ही लिखूं अपने, तो जो मैंने अपने लिए लिखा वही बोला। और कुल मिला के फिल्म की कहानी ईमानदार थी, बनाने का प्रोसेस बहुत ईमानदार था और जिस दिन फिल्म पहली बार मैंने देखी थी मैंने उस दिन सर से एक वाक्य बोला था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ और इस फिल्म को सफल होना ही था, तो 100 दिन हो गए मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही है, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है इन्होंने कहानी नहीं लिखी होती उपन्यास तो नहीं बनता, मनोज और श्रद्धा नहीं होते तो कहानी नहीं बनती, लेकिन ये कहानी बनने के बाद अगर विकास जी विकृति सर नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जिसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।